नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे रुड़की की, जहां पर कांग्रेस नेता के बेटे की बर्थडे पार्टी में कोरोना गाइडलाइंस का जमकर माहौल उड़ा। इसके अलावा इस बर्थडे पार्टी में जमकर हर्ष फायरिंग भी की गई और अब हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर सत्ता में बैठे लोगों के बेटे ही इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे तो फिर जो जनता है उसके बीच में क्या संदेश जाएगा। तो आपको बता दें कि पूरा मामला रुड़की से सामने आया है, जहां भगवानपुर में कांग्रेस नेता के बेटे की जन्मदिन की पार्टी में जमकर हर्ष फायरिंग हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने कांग्रेस नेता और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना इलाके के अमरपुर काजी में 5 जुलाई को कांग्रेस नेता रूप सिंह के बेटे तुषार सिंह का जन्मदिन था। आरोप है कि पार्टी में तुषार ने जमकर हर्ष फायरिंग की। जन्मदिन के दिन परिवार के लोगों ने गांव के रास्ते पर डीजे लगाकर खूब हुड़दंग भी मचाया और हर्ष फायरिंग की। वहीं जब गांव के लोगों ने समझाने की कोशिश की तो आरोप लग रहा है कि नेता के समर्थकों ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज की। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता की ओर से जन्मदिन की पार्टी को लेकर के कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। पार्टी में कोविड-19 की जो गाइडलाइंस थी उनका जमकर माहौल भी उड़ाया गया। वही मामला संज्ञान में आने के बाद भगवानपुर थाना पुलिस ने फायरिंग करने वाले तुषार और उनके पिता रूप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजहर, जिस तरह से कांग्रेस नेता के बेटे की बर्थडे पार्टी थी उसमें जो हर्ष फायरिंग की गई है, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? पैसे भी पहले भी चर्चित इन बातों को लेकर रहा कि कोविड-19 के नियम की धज्जियां लगातार कांग्रेस के नेता और सभी राजनीतिक पार्टियां उड़ाती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके बाद अब नई एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें तमंचे के बल पर डिस्को करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस नेता के बेटे और कांग्रेस नेता के खिलाफ पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियो सामने आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बड़ी चूक देखने को मिलती है कि कैसे चोरी छुपे कोई बर्थडे पार्टी कर लेता है, बिना परमिशन के बर्थडे पार्टी करता है। प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं होती, जिसके बाद जब वीडियो वायरल होती है तो प्रशासन कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल या निशान प्रशासन पुलिस के ऊपर खड़े होते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं केवल मुकदमे दर्ज करने से ही बात नहीं बनेगी, कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। क्या मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी किसी की नहीं है, लेकिन पुलिस ने दो अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और टीम गठित करके जांच की बात करके उनके ऊपर जांच करके गिरफ्तारी की बात की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और वही अब ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के बात करें तो इस तरीके से इन वीडियो को लेकर अब वो अपने अहम मुद्दा बना रही है कि राजनीतिक पार्टी जो खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रही है तो वो उत्तराखंड के नियम कानून के हिसाब से कैसे चलेगी, विधानसभा चुनाव नजदीक है इसको लेकर ये अहम मुद्दा भी। बिल्कुल, आपने सही जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो पार्टियां होती हैं वो जनता के बीच में अपनी साफ छवि को लेकर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह से कांग्रेस नेता के बेटे की बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग हुई है उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है तो इसका जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा। खैर, उसके बारे में भी बात करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मामले को लेकर के कांग्रेस के जो नेता थे उनके बेटे की पार्टी थी, क्या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई बयान सामने आया है? लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता अब कांग्रेस का निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस के भी कोई भी आला नेता इस बात पर टिप्पणी करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। बस संज्ञान में बात आने के बाद जांच करने की बात कही जा रही है तो वहीं देखने वाली। और लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस इस मुद्दे पर घेरने का कोई भी मौका नहीं छूट रही है। तो वहीं अगर विधानसभा चुनाव में घर बैठे ही विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस ने एक
अहम मुद्दा दे दिया जिसको लेकर आप विधानसभा चुनाव में काफी घमासान होने को देखने को मिलेगा। क्या आपने कांग्रेस जो नेता हैं जिनके बेटे की बर्थडे पार्टी थी उनसे बात करने की कोशिश की है, क्या उनकी ओर से कुछ कहा गया है पूरे मामले को लेकर? कांग्रेस के नेता से बात करने की कोशिश करी गई लेकिन उनका ना तो संपर्क हो पा रहा है और ना ही उनसे मुलाकात हो पा रही है, जिसको लेकर अभी तक उनसे कोई भी इस मामले पर कोई भी टिप्पणी उनके द्वारा नहीं की गई है और ना ही अभी कोई सोशल मीडिया पर भी उनके द्वारा कोई भी इस घटना के लिए पोस्ट वायरल की गई है, जानकारी दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो कांग्रेस नेता के बेटे में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद अब दो लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट की। दरअसल हमने आपको खबर दिखाई थी कि उत्तराखंड में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, लेकिन अब उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो लोग कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले मरीज के संपर्क में आए थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 40 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि एक युवक में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला था। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए उधम सिंह नगर के दिनेशपुर और गदरपुर में दो कंटेनमेंट जोन को खोल दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग समेत आम जनता ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में कुछ समय पहले आए बीटेक के एक छात्र की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रैंडम जांच के तहत भेजे गए 5% नमूने में उसका सैंपल भी भेजा गया था। युवक के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक युवक 9 जून को लखनऊ से वापस लौटा था। युवक की जाँच रिपोर्ट में डेल्टा प्लस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय एड्रेस को ट्रेस कर उसके संपर्क में आए 40 लोगों के सैंपल लिए थे। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए थे उन्हें अब खोल दिया गया है। तरीके से ताकि कोई अगर कोई ऐसा सिम्टोमेटिक हो जिसको कि कोई आईएलआई सिम्टम्स हो या सर्दी खांसी जुकाम वगैरह जिसे हम कहते हैं उस टाइप की कोई भी शंका हो तो उनकी भी सैंपलिंग करा ली जाए और उनको आइसोलेट कर लिया जाए। और आज सुबह जो है उनके रिपोर्ट सबकी जो है नेगेटिव आई है, तो इससे हम लोगों को काफ़ी जो है राहत की सांस मिली है कि किसी भी तरीके से ताकि कोई अगर कोई ऐसा। बाजपुर के चकरपुर गांव में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सौगात दी है। दरअसल रेलवे अंडरपास का शिलान्यास किया गया है। इस रेलवे अंडरपास के बनने के बाद लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। हालांकि कार्यक्रम के दौरान कोविड जो गाइडलाइंस हैं उनकी धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आई हैं। तो बाजपुर के ग्राम चकरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने करोड़ों की लागत से बनने वाले रेलवे अंडरपास का शिलान्यास किया। उन्होंने लोगों को रेलवे अंडरपास का काम जल्द पूरा होने का आश्वासन दिया। बता दें कि रेलवे अंडरपास का निर्माण 2,53,00,000 की लागत से होगा। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। सरकार के द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस के बावजूद लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के बाद मिठाई के लिए भी अव्यवस्था देखने को मिली है। सवाल यहां पर उठता है कि अगर मंत्री जी के कार्यक्रम में ही कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ेंगी तो इसका जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा। हालांकि अच्छी खबर यह है कि बाजपुर के लोगों को जो रेलवे अंडरपास है उसकी सौगात मिलेगी, शिलान्यास उसका कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2,53,00,000 की लागत से ये रेलवे अंडरपास बनकर तैयार होगा और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसकी सौगात लोगों को मिल जाएगी। की मांग चकरपुर में थी, ऐसी अनगिनत जगह डिमांड थी लोगों की और वास्तव में लोगों को दिक्कत है, लेकिन यह गांव के लोगों का प्रयास और हमने भी सच्चे मन से गांव वालों का साथ दिया जिसका परिणाम है कि जिसको 3.5 साल पहले हमने सरकार से मतलब 2.5 करोड़ रुपए के लगभग हमने पास कर दिया था, आज रेलवे विभाग की एमओसी मिलने के पश्चात टेंडर होने के पश्चात आज इसका हमने शिलान्यास किया और बहुत जल्दी यह अंडरपास, मेरी कोशिश है कि नवम्बर से पहले पहले ये अंडरपास बन जाए कि मांग चकरपुर में थी, ऐसी अनगिनत जगह डिमांड थी लोगों की। उत्तराखंड में ग्राम प्रधानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। लगातार जो ग्राम प्रधान संघ है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सरकार से कह रहा है कि जो उनकी 12 सूत्रीय मांगे हैं
उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, जिसको लेकर के जगह जगह पर जो ग्राम प्रधान है उनका धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर रामनगर ब्लॉक परिसर में प्रधान संगठन ने तालेबंदी की। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने प्रधान संगठन की ओर से सरकार से कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी को 2500 रुपए प्रति महीने प्रत्येक ग्राम पंचायत से दिए जाने के आदेश को शीघ्र वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत खुद अपने काम करने में सक्षम है, इसके अलावा 15वें वित्त में हो रही भारी कटौती पर रोक लगाने, ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपए से बढ़ाकर 10000 करने और 5000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में दिए जाने की भी मांग की गई है। साथ ही ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में तेजी के लिए जेई और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति जल्द करने की भी मांग की गई है। तो लगातार ग्राम प्रधान संगठन प्रदर्शन कर रहा है, कई मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो सरकार है वो क्या ग्राम प्रधानों की बातों को मानती है या फिर आश्वासन देकर ही ग्राम प्रधानों को संतुष्ट करा दिया जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि अब जो ग्राम प्रधान वर्सेस सरकार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है वो आगे क्या कुछ नया मोड़ लेता है। काशीपुर में भूमाफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए एसडीएम ने कमर कस ली है। दरअसल एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो भूमाफिया पर कार्रवाई करेगी और शहर से अतिक्रमण को भी हटाने का काम करेगी। तो काशीपुर में भूमाफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं, धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। कॉलोनी का नक्शा और डायवर्जन पास कराए बिना ही मनमाने तरीके से प्लॉट भी बेचे जा रहे हैं। कॉलोनाइजर बिना पंजीयन के ही काम कर रहे हैं। मामले में राजस्व विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जिम्मेदार विभागीय अधिकारी सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नोटिस के बाद भी भूमाफियाओं ने अवैध कॉलोनी के कारोबार पर विराम नहीं लगाया है, जिसके बाद काशीपुर की नवनियुक्त एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है जो भूमाफिया के खिलाफ सख्त एक्शन में दिखाई दे रही है। एसडीएम ने कहा है कि कहीं से भी अगर शिकायत मिल रही है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा रही है। की भूमि और उस पर प्लॉटिंग की जा रही है, तो हम लोगों ने एक दो केसेस ऐसे पकड़े भी हैं और बाकायदा उनको चेतावनी लेटर भी इशू किया हुआ है। जैसे जैसे प्रकरण आते हैं हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई करते हैं, और इसको लेके हमने जैसे मैंने आपको पहले ही बताया स्पेशल टास्क फोर्स भी हम लोगों ने गठित कर दी है, तो इस पर अब आपको सख्त से सख्त कार्रवाई दिखेगी क्योंकि भूमि और उस पर प्लॉटिंग की जा रही है। तो हरिद्वार के लक्सर में एक महिला का शव मिला है। महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो हरिद्वार के लक्सर में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला खानपुर थाना इलाके के लालचंद वाला गांव का है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मृतक महिला की शिनाख्त लालचंद वाला गांव के ही रहने वाले संजीव की पत्नी नीता के रूप में हुई है। मृतक महिला के गले में चुन्नी बंधी हुई थी। पुलिस हत्या और आत्महत्या के पहलू से मामले की जांच कर रही है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मामले की गुत्थी को पुलिस कब तक सुलझा पाती है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि महिला के गले में चुन्नी बंधी हुई थी, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले को लेकर के ये पता करने की कोशिश कर रही है कि महिला की हत्या की गई है या फिर महिला ने खुद आत्महत्या की है। चमोली में एक साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन शव का रेस्क्यू करने में, शव को निकालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। चमोली में बद्रीनाथ से आगे वसुधारा झरने के पास ग्लेशियर में ये शव मिला है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंची थी, जहां झरने के नीचे साधु का शव पड़ा हुआ मिला था। पानी की तेज धार और हवाओं के बीच शव को कल रेस्क्यू करने में काफी दिक्कत आ रही थी।
जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लिया और शव को वहां से बाहर निकाला। साधु के शिनाख्त कपड़ों से मिले पहचान पत्र के आधार पर हुई है। साधु की पहचान गुजरात के रहने वाले भांगुदास के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बस के शीशे तोड़ दिए। तो देहरादून के विकास नगर से ये हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक युवक समद बाइक से घर की ओर जा रहा था, इसी दौरान डाक पत्थर से आ रही बस ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई है। परिजनों को मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने बस के शीशे तोड़ दिए। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। बता दें कि मृतक समद परिवार में दो बहनों का इकलौता भाई था। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे उत्तराखंड की खूबसूरती की। दरअसल उत्तराखंड को प्रकृति ने बेहद ही नायाब खूबसूरती से संजोया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं और यहां के नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में कई प्राकृतिक धरोहरें भी हैं और कई मानव निर्मित धरोहरें भी हैं। तो उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक धरोहर हैं जो इसके खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। उन्हीं में से एक है गरतांग गली, जिसकी सीढ़ियां आज की तकनीक को भी मात देती हैं। गरतांग गली खुद में ही कारीगरी का एक नायाब नमूना है, क्योंकि इसके ठीक नीचे 300 मीटर गहरी खाई है, जबकि नीचे जाड़ गंगा नदी भी बहती है। पहाड़ों पर बनाया गया ये पुराना मार्ग आज भी लोगों के लिए रोमांच और हैरानी का सबब बना हुआ है। साल 1975 तक सेना भी इसका इस्तेमाल करती रही, लेकिन उसके बाद सेना ने भी आना जाना इस गली में बंद कर दिया था। अब प्रशासन इसे खोलने की तैयारी कर रहा है। पिछले 46 सालों से गरतांग गली का उपयोग और रखरखाव ना होने के कारण इसका अस्तित्व मिटता जा रहा था, लेकिन अब इस गली को ठीक किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि 1962 से पहले भारत तिब्बत के व्यापारी याक, घोड़ा खच्चर और भेड़ बकरियों पर सामान लादकर इसी रास्ते से आते जाते थे। गरतांग गली सबसे पुराना व्यापारिक मार्ग हुआ करती थी। यहाँ से ऊन, गुड़, नमक और मसाले दूसरी जगह भेजे जाते थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान गरतांग गली ने सेना को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। गरतांग गली की सीढ़ियां आपको बदहाल नहीं मिलेंगी। प्रशासन ने इन पर काम करना भी शुरू कर दिया है और कुछ ही महीनों में ये गली पर्यटकों के लिए भी खुल जाएगी। पहले गरतांग गली की सीढ़ियों को खड़ी चट्टान वाले हिस्से में लोहे की रॉड गाड़कर और उसके ऊपर लकड़ी के पट्टे बिछाकर रास्ता तैयार किया जाता था। बेहद संकरा और जोखिम भरा ये रास्ता गरतांग गली के नाम से मशहूर हुआ, जो अपने आप में कारीगरी का एक नायाब नमूना है, क्योंकि अब 2021 से इसे प्रशासन द्वारा खोलने की तैयारी की जा रही है। पिछले 46 सालों से गरतांग गली का उपयोग और रखरखाव नहीं हुआ था, जिसके बाद इसके अस्तित्व पर खतरा जरूर मंडरा रहा था, लेकिन अब राहत की खबर ये है कि अब जल्द ही जो गरतांग गली है वो पर्यटकों के लिए खुलने वाली है। देखिए, गरतांग गली का जो प्रोजेक्ट था वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है। उसमें करीबन 60-70% काम हमारा पूरा हो गया है। अगले 1 से 1.5 महीने में हमें उम्मीद यही करते हैं कि वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, जो कि उसका रिपेयरिंग का रिनोवेशन का काम था। और जैसे भी कोविड की आगे सिचुएशन होगी उस हिसाब से फिर उसको पर्यटकों के लिए खोला। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।